हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज बहुत सारा धूप निकल आया है। मैं अभी अभी जस्ट नहा के निकली हूँ। आज मैं लंच में बनाऊंगी सिर्फ सब्जी। रोटी रखा हुआ था, कल रात कुछ ज़्यादा ही रोटी रखे थे तो बना लिया था मैंने कुछ ज़्यादा ही रोटी कल रात। तो आज मैं रोटी नहीं बनाऊंगी और सिर्फ सब्जी बनाऊंगी एक, और दाल बनाऊंगी और थोड़ा सा चावल बना लूँगी अर्पित के लिए। वो इस टाइम मतलब लंच के टाइम वो चावल ही खाता है। वो वैसे भी रोटी ज़्यादा पसंद नहीं करता है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, थोड़ा थोड़ा आदत डालती हूँ उसको। नहीं तो आगे जाके वो स्कूल में जाएगा तो फिर मुझे टिफ़िन में रोटी पराठा ये सब देना पड़ेगा ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आदत डाल रही हूँ उसको। तो अभी सब्ज़ी पकाऊंगी, उसी की रेसिपी आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और मेरे घर में ना आज ज़्यादा कुछ सब्जी बचा नहीं है, तो मैं आज आलू और प्याज की सब्ज़ी बनाऊंगी। बहुत टेस्टी होता है, और मेरे घर में जब सब्ज़ी ख़त्म हो जाता है तो मैं यही कर लेती हूँ, तो वही मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी। उसके बाद मेरा ये काम चालू हो गया है अर्पित के साथ। मैं जब सुबह उठती हूँ और सारा काम हो जाता है, नहा लेती हूँ, उसके बाद वो अर्पित उठता है सुबह, तो मैं उसके सर पे तेल डालती हूँ और इस तरह से मैं उसके चोटी बांध दूँगी। इसके बाल ना 5 साल तक रहेगा, इसीलिए मेरे उसके बाल पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो वो चुपचाप बैठा नहीं रहता है जब भी बाल बांधती हूँ मैं, तो उसके लिए मैंने एक वहाँ पर नोटबुक दे दिया है और एक पेंसिल दे दिया है, उससे वो तस्वीर आँक रहा है और बैठा है। इसी तरह बहला फुसला के मैं उसका चोटी बांध दिया है। आप लोगों को देखकर लगेगा कितना शांत बच्चा है, बैठा है, नहीं बैठा रहता ये। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके ये बैठा रहता है। बहुत शैतान है, बहुत बदमाशी करता है ये। तो मैंने इस तरह से चोटी बांध दिया है उसको। ये ऐसे बांधती हूँ ना तो ज़्यादा जल्दी नहीं खुलता है, नहीं तो बार बार खुल जाता है बाल इसका, इसीलिए मैं इस तरह से बांध देती हूँ। इसका हो गया है चोटी, रेडी हो गया। अब मैं इसको टीका लगाऊंगी। मेरी मम्मी और सासू माँ दोनों बोलते हैं कि काजल का टीका लगा दो, बच्चे को लगाना ज़रूरी है, तो वही मैं कर लेती हूँ। और इसको टीका लगाना बहुत पसंद है। देखिए इस टाइम वो ठीक से बैठा रहेगा और मैं उसके ऊपर पाउडर डालती हूँ ताकि टीका ना हटे, तो मेरे ऊपर भी ऐसे पाउडर डाल देता है पूरे फेस पे मेरा। इस तरह मस्ती मस्ती में मुझे ये सब काम करना पड़ता है उसके साथ। देखिए आप लोगों को हेलो बोल रहा है। मैं इसको थोड़ी देर पढ़ाऊंगी, ऐसे स्टोरी बोल बोल के मैं जब पढ़ाती हूँ ना तो ठीक से पढ़ लेता है, नहीं तो जब भी बोलती हूँ चलो पढ़ने बैठो तो नहीं बैठेगा वो, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ चलो स्टोरी बोलूँगी मैं, चलो चलो, तो फिर आ जाता है जल्दी जल्दी बुक्स लेके सारे तस्वीर। देखिए आप लोगों को किसी दे रहा है वैसे सबके साथ ये बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, सब बोलते हैं ऐसे ही कि बच्चा सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली हो जाता है बहुत जल्दी। वो इस तरह से पढ़ लेता है, वैसे मैं इस तरह से ही पढ़ाती हूँ, बोलती हूँ ये देखो ये जा रहा है अभी, इस तरह से मैं उसको स्टोरी बना देती हूँ, पूरे पढ़ाई को ना स्टोरी बना देती हूँ और उसको पढ़ाती हूँ। और मेरे हस्बैंड जब भी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं, मेरा उसके साथ लगभग 1 घंटा तो लग ही जाता है मेरा ये सब करते करते,
उसको रेडी करना, उसको पढ़ाना, खाना, उसको हॉर्लिक्स, और अभी मैं बिस्किट दूंगी और कुछ नहीं खाएगा वो सुबह, तो हॉर्लिक्स मैं अभी नहीं उसको कुछ भी खिलाई, तो वो जब भी सुबह उठता है ना तो उठ के ही नहीं खाता है, उसके लिए मुझे मैं थोड़ी देर बाद उसको दूंगी खाना, ब्रेकफास्ट दूंगी, तो इसीलिए मैं पढ़ाने के लिए बैठ जाती हूँ। और मैंने कुछ भी अभी खाना नहीं बनाया लंच का, तो लंच में सिर्फ सब्जी और दाल और चावल बनाऊंगी, और रोटी तो है ही, तो उसको सेंक लूँगी एक बार, बस हो जाएगा। और मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने अर्पित के लिए चावल चढ़ा दिया है, बस थोड़ा सा ही चावल है, सिर्फ उसके लिए ही चढ़ाया मैंने। और मैं आलू और प्याज की सूखी सब्जी बनाऊंगी, और इसीलिए मैंने प्याज सॉरी आलू को काट लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में, और एक बड़े बड़े साइज का प्याज लिया है, उसको भी मैं काटूंगी। एक आलू काट लिया मैंने, दो ही आलू लिया है, तो एक आलू काट लिया है मैंने और दूसरी आलू काट रही हूँ। और हम सारी हाउसवाइफ के ही लाइफ होती है ना, मेरी तो यही है, और बहुत स्वीट सी लाइफ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब अर्पित नहीं था तो मेरा टाइम बिल्कुल भी नहीं कटता था, और अभी अर्पित जब से आ गया है मेरी लाइफ में, तब से ना मेरा टाइम कब दिन होता है कब रात होता है पता ही नहीं चलता है, और इस तरह से मेरा पूरा दिन निकल जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता कब दिन आया कब रात हो गई, इस तरह से मेरा लाइफ है। और मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा अर्पित है, मेरा हस्बैंड जैसे ये मेरा एक दोस्त मिला है, बहुत अच्छे हैं वो, और आप लोग तो है ही मुझे सपोर्ट करने के लिए, आप लोग भी जैसे मैं क्या बोलूँ, आप लोग मेरी और एक फैमिली बन चुके हो, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को, आप लोग के साथ मेरा बात करना आप बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इस तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि आप लोग हो मेरे साथ, मुझे और क्या चाहिए अपनी लाइफ में, यही है मेरी लाइफ। और मैंने इधर कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई में मैंने साबुत धनिया है ये साबुत धनिया, साबुत जीरा फोड़न दूंगी मैं तेल में, और एक सूखी मिर्च डालूंगी, वो धनिया से ना बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इस सब्जी का, आप लोग घर में ना एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर कहीं ले जाना हो तभी ये सब्जी बना सकते हो, बहुत अच्छा होता है जानी में ले जाना टिफिन में, बहुत सुंदर लगता है यार, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो फिर मैंने आलू को डाल के और कुछ नहीं किया, और मैंने ढक दिया था, और इस तरह से थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी, और फिर मैं हल्दी नमक डालूँगी, अभी कुछ नहीं डाला है, सिर्फ फोड़न लगाया है सूखी मिर्च धनिया और जीरा का, और फिर मैं आलू और प्याज को डाल दिया, और इस तरह से फ्राई कर रही हूँ, और इधर फ्राई भी हो चुका है, और मैं अब डालूँगी हल्दी और नमक। बिल्कुल सूखी सब्जी होगी तो नमक थोड़ा डालना ही अच्छा है, और यहाँ मैंने मसाला डाला है, ये मसाले में है जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और क्या है, और मैंने क्या डाला, लाल मिर्च का पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट, और कुछ नहीं है, सबको मैं एक साथ पेस्ट बना लिया है, और इस तरह से मैंने डाल दूंगी, और थोड़ा सा बिल्कुल भी देखा है आपने कि मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और ढक दिया है और आँच को धीमी कर दिया है, और इधर देखिए अर्पित क्या कर रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, देखिए आप लोग तब तक इसको मेरा सब्जी उधर पक रहा है, और इधर अर्पित को देखिए क्या कर रहा है, पानी ले लेके उस बॉटल में पानी लिया है, और पानी लेके ना चम्मच से पानी ले लेके उस बॉल में डाल रहा है, कि बोल रहा है कि बॉल बहुत गंदा हो गया है, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ साफ़ कर देता हूँ, वही कर रहा है वो बदमाश।
वो पूरा घर में मेरा पानी पूरा घर में डाल दिया है। फिर मैं पोछा लगाई उसके बाद। और इधर आलू आधा पक चुका है मेरा सब्जी, और देखिए मेरा गोद में आ गया है। वो बोल रहा है कि मुझे देखना है, दिखाओ क्या बना रही हो, दिखाओ दिखाओ। बंगाली बोलता है कि देखाओ अम्मा के, एक बार देखाओ कि बना छो, देखाओ देखाओ। तो वही वो देख रहा है। जब भी खाना बनाती हूँ ना, मेरे गोद में आ जाता है देखने के लिए ऊपर क्या हो रहा है खाना। वो देख नहीं पाता है तो गोद में आएगा ही। जब उसके पापा रहता है, उसके पापा के गोद में आएगा, बोलेगा दिखाओ दिखाओ मम्मी क्या बना रही है, दिखाओ। और सब्जी लगभग हो चुका है। आलू और प्याज की सूखी सब्जी रेडी हो चुका है, इधर चावल भी हो गया है। अब मैं दाल पका लूँगी, और रोटी तो है ही कल की, मैंने आप लोगों से बताया है, तो उसको मैं घी डाल के एक बार सेंक लूँगी अच्छे से तवे से। तो मैं खाना ज़्यादा वेस्ट नहीं करती, रह जाता है तो रख देती हूँ फ्रिज में, फिर मैं सुबह ऐसे ही रोटी को घी लगा के एक बार सेंक लेती हूँ, फिर खा लेते हैं। तो वही का आज हम खा लेंगे, और अर्पित चावल खाएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।